लिस्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को मेमोराइज करने के लिए हम लोग एक छोटा सा सेंटेंस यूज करते हैं। इस सेंटेंस को यूज करके आप आसानी से जितने भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हैं दिमाग में रख सकते हैं। सेंटेंस है, ओम से मिल गया प्रकाश। इस सेंटेंस को मैं बोर्ड में लिख देता हूँ, ये हो गया आपका ओम। ओम से मिल गया प्रकाश, बहुत ही एक छोटा सा सेंटेंस है, ओम से मिल गया प्रकाश। ठीक है, ओ से आपको मिल जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, एम से मिल जाएगा आपको मैलोनिक एसिड। ठीक है, एस से मिल जाएगा आपको सक्सीनिक एसिड। ये सभी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, सक्सीनिक एसिड। ठीक है, और यहाँ से आपको जी से मिल जाएगा ग्लूटोरिक एसिड। ये हो गया भाई। ए से मिल जाएगा आपको एडिपिक एसिड मिल गया। और यहाँ से पी से आपको मिल जाएगा पाइमेलिक एसिड। ये मिल जाते हैं। अब इनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज इस वजह से किया गया है कि इनके केमिकल फार्मूला भी आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए, ये ऑक्जेलिक एसिड होते हैं, कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं, ये 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए हैं। इसमें जाएंगे तो 3 कार्बन का एसिड, इसमें जाएंगे 4 कार्बन का एसिड, इसमें 5 कार्बन का एसिड, ये 6 कार्बन का एसिड, ये 7 कार्बन का एसिड। तो इसी वजह से इन सभी को एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज किया गया है ताकि इनका केमिकल फार्मूला भी आपको आसानी से मिल सके। मैलोनिक एसिड के बारे में बात करें तो इसमें 3 कार्बन हो गए, ये एक CH2 हो गया, और यहाँ से आप लगा दीजिए COOH, और ये COOH हो गया। इसमें अगर आप सक्सीनिक एसिड के बारे में बात करें, 4 कार्बन का एसिड, ये हो गया COOH हो गया, और यहाँ पर आप CH2 और ये COOH कर दीजिए। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल हो गया। ग्लूटोरिक एसिड में जाएंगे तो 5 कार्बन का एसिड, ये हो गया CH2, यहाँ पे CH2 कर दीजिए, ये CH2 हो गया, और यहाँ से COOH, और ये हो गया COOH। ठीक है भाई, इसमें कितना कार्बन, 6 कार्बन कर दीजिए। एडिपिक एसिड में ये हो गया CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2, और ये COOH, और ये COOH हो गया। ये सभी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। पाइमेलिक एसिड के बारे में बात करें तो यहाँ पर होते हैं 7 कार्बन, जैसे हो गया आपका CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2, यहाँ पे लगा दीजिए COOH, और ये COOH। इस तरह से आप आसानी से जितने भी इंपॉर्टेंट डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हैं इस सेंटेंस को यूज करके मेमोराइज कर सकते हैं। सेंटेंस है, ओम से मिल गया प्रकाश, ओ से ऑक्जेलिक, एम से मैलोनिक, एस से सक्सीनिक, जी से ग्लूटोरिक, ए से एडिपिक, और ये पी से पाइमेलिक एसिड।